हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगिताज किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है चीज़ चटनी सैंडविच। हम एकदम जिस तरह से कैफ़े में चीज़ चटनी सैंडविच मिलता है, सेम उसी तरह से बना करके तैयार करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए हम बनाते हैं चीज़ चटनी सैंडविच। तो चीज़ चटनी सैंडविच के लिए सबसे पहले चटनी बना करके हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मिक्सी जार में हमने थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी फ्रेश पुदीना की पत्ती डाल दी है, 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है हमने, इसे भी मिक्सी जार में डाल देते हैं, 4 लहसुन की कलियाँ ली है, इसे भी डाल देते हैं, थोड़ा सा अदरक लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है, इसे भी ले लेते हैं मिक्सी जार में, और हमने एक छोटा साइज का टमाटर लिया, इसको रफली चॉप कर लिया है, इसे भी मिक्सी जार में डाल देते हैं, 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे और 1/4 चम्मच हम नमक डाल देते हैं, नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, और इन सभी चीज़ों को मिक्सी जार में पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, ये हमने बाउल में निकाल लिया। मैं इसमें एक नींबू का रस डाल दे रही हूँ, हम जब चटनी पीस रहे थे उसी समय भी हम नींबू का रस डाल सकते थे, पर मैं उस समय नहीं डाल पाई तो अभी डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम चलेंगे सैंडविच बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने 2 सैंडविच ब्रेड ले ली है और अब हम इस पर बटर अप्लाई कर देते हैं। तो हम दोनों तरफ बटर को अच्छे से अप्लाई कर देंगे ब्रेड के ऊपर। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं, पर बटर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने बटर यूज़ किया है। और जो हमने चटनी बना करके रेडी की थी, अब उसे हम ब्रेड पर लगा देंगे। तो चटनी को हम इस तरह से फैला देते हैं ब्रेड पे अच्छे से। तो ये दोनों ब्रेड पे हमने चटनी फैला दी है। अब हम इसमें चीज़ लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं, प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से चीज़ स्लाइस रख दी है और मैं इसे एक्स्ट्रा चीज़ ही बना रही हूँ, तो थोड़ा सा हम ये प्रोसेस चीज़ भी इस पर लगा देंगे। चीज़ कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं आप। अब हम ये जो दूसरी ब्रेड है इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से भी बटर लगा देते हैं हम। तो हम बटर को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, हमने बटर अच्छे से फैला दिया। अब चलते हैं हम इसे सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को मीडियम आंच में गर्म कर दिया है और जो हमने जिस तरफ से बटर लगाया है उस तरफ से हम ब्रेड को पैन में रख देंगे सैंडविच को, और हम इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं एक बार, चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका होगा, पलट के देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ब्रेड एक तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, सैंडविच हमारा रेडी हो चुका है एक तरफ से। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से सेक लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमारी ब्रेड अच्छे से सिक चुकी है, हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। इसी तरह से हम और सैंडविच भी बना करके रेडी कर लेंगे। हम इसे कट कर लेते हैं, मैं इसे 4 पीस में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे 2 पीस में या ऐसे ही खा सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे 4 पीस में कट कर रही हूँ, जिस तरह से मार्केट में मिलता है उसी तरह से। तो ये देखिए हमारा चीज़ चटनी सैंडविच बन करके रेडी है, बहुत ही अच्छा बन करके रेडी हुआ है, बहुत ही यम्मी लगता है, शाम के स्नैक्स में या सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चीज़ चटनी सैंडविच बन करके तैयार है। मैंने इसे मेयो के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरे चीज़ चटनी सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं आपको फिर मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंजॉय द रेसिपी। बाय बाय, टेक केयर।